बात करेंगे व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने व्यापम घोटाले में हाथ से इनकार किया है। घोटाले में नाम आने के बाद ओएसडी धनराज यादव को हटा दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परसों प्रदर्शन कर राज्यपाल से इस्तीफे की मांग की थी। राम नरेश यादव से एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने बात की है, जिस दौरान राज्यपाल राम नरेश यादव ने कहा है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और जिस ओएसडी का नाम लिया गया था उसको हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नरेश यादव जी का जन्मदिन है, हम इस वक्त इस खास मौके पर उनके साथ हैं। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम भगवान से दुआ करते हैं आपको अच्छी आयु मिले। मगर एक जो बात चल रही है पूरे प्रदेश में कि एक व्यापम मामला है, उसमें कुछ जगह छपाई की राजभवन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ये जनता का सवाल। एक बार बता दूं, सांच को हंच क्या, जीवन में मैंने कभी अनैतिकता की और ऐसी बात कभी सोचा भी नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मुझे लक्ष्मी की लालसा होती तो मेरे यहां बिरला थे, सूखा पड़ा था, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे निवेदन पर तैयार हो गए बिजली की कटौती करने को, हिंडाल्को नहीं तैयार हुआ, मैंने सारी बिजली काट के किसानों को दिया। आज भी मैं कहता हूं, मैं तो ये सोचता रहा कि भाई 60 साल की जिंदगी मेरी बची है, चलो मध्य प्रदेश में भी चलूंगा, भगवान मुझको बचाना, कहीं मेरे कपड़े पर दाग न लगने पाए सोचता हूं। और निश्चित रूप से मेरे कपड़े पर दाग नहीं लगेगी, ये भी बता देता हूं। मैंने पहले कहा सांच को आज क्या। तो सर, ये जो आपके बारे में छप रहा है या आपको लग रहा है छपवाया जा रहा है कुछ, देखिए अब ये तो आप लोगों का मामला है, मीडिया का मैं क्या कहूँ। इतना जरूर मैं कहूँगा, देखिए यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे होती है, ये अगर पत्रकार को मालूम होता तो किसी के कहने पर शायद नहीं लिखते इस तरह से कि उसकी कमेटी बनती है, सर्च कमेटी होती है, सिफारिश करते हैं, उसमें से ही करना पड़ता है, बाहर के किसी आदमी को नहीं करना पड़ता। ये गवर्नर को भी पावर नहीं है कि वाइस चांसलर के नियुक्त में उस सर्च कमेटी ने जो दिया है उसके खिलाफ बाहर से किसी को नॉमिनेट कर दे वाइस चांसलर। सर, मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से पूरे देश में गूंज गया है व्यापम वाला, आपको अफसोस होता है, दुख होता है कि सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है तो चिंता होना, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अब ये जरूर है कि उस बारे में भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे सरकार तैयारी भी कर रही है, व्यापम की कमेटी उमेटी दूसरी बनने जा रही है। अब जो हो गया उस पर तो एसटीएफ जांच कर रही है, जो चाहे सो